गुड मॉर्निंग अभी। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हाँ जी, चलो वाटर वाटर भी लेनी है अभी। पेमेंट करनी पहले। ओके, चलो रुको। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम यहाँ से निकलने लगे हैं आगे कल्पा के लिए। राइट को स्टे हो गया, अच्छे से नींद पूरी हो गई। अब निकलना तो पड़ेगा ना अगले सफर पे, तो अब कल्पा के लिए निकलते हैं। वहाँ पे भी इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला कि वहाँ पे किसी से मिलना भी है और भी दो तीन काम है, तो वो भी करेंगे। और हमें यहाँ पे इनके रिलेटिव्स में से भी कोई मिला है, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, उन्होंने मेरे बारे में पूछा था, तब मैं तैयार होती थी। और फिर उनको बोला कि आगे हम मिलते हैं कल्पा साइड पर। और अभी ना हमें थोड़े पंजाब के लोग मिले थे, मतलब चंडीगढ़ साइड से थे, तो वो हमें पूछ रहे थे कि यहाँ पे देखने के लिए क्या जगह है। तो हम उनको बोल रहे थे कि अगर आपको शांति चाहिए, पीसफुल, ये तो पीसफुल इन्वायरमेंट में आप आ चुके हो, और अगर आपको यहीं पे रहना है तो यहाँ पे रिवर व्यू है। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि अगर आप इस साइड को आते हो, क्योंकि कई बार होता है आप ब्लॉग्स देख के थोड़ा अट्रैक्टेड हो जाते हो कि वाओ यहाँ का व्यू अच्छा है, तो यहाँ पर तीन चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अगर आप शांति चाहते हो और यहाँ की सराउंडिंग, यहाँ के लोग सब अच्छे हैं और पीसफुल इन्वायरमेंट है, पीसफुल सराउंडिंग है, नेचर बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। अंकल जी मिले, लोकल अंकल थे, उन्हीं का था शायद होस्ट से। मेरे को उनके ऐसे लगे गोपाल शर्मा जी, नहीं जो गाना गाते, अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है। सो आप बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले इसी चीज़ के, ओह वाओ, वन पीस ड्रेस मेरे पास भी सेम है। ओके, तो मैंने ना इन सबको बताया कि अगर आप ये व्यू देखे कि यहाँ पे बहुत सुंदर ब्यूटी है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो दो तीन चीज़ें अपने माइंड में रख के आओ कि यहाँ पे आपको महंगे महंगे होटल्स नहीं मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। मेन सिटीज में होता है, वहाँ पे मार्केट साइड होती है, यहाँ पे मार्केट में नहीं आप घूम सकते, पर यहाँ ये है कि आपको किसी भी तरह के डिस्टर्बेंस नहीं है, यहाँ पे नेचर के साथ आप घुल मिल जाओगे। अभी हम ऊपर वैसे वाटरफॉल के पास जाने लगे थे। ओके, पर हाँ, हम वाटरफॉल की तरफ जाने लगे थे, लेकिन बहुत दूर था, बहुत हाई, कम से कम 25 मिनट लगने थे वहाँ पैदल जाने, ज्यादा लग सकते थे क्योंकि रास्ता इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। तो फिर हमने सोचा सांगला पे, और मैं आपको एक चीज यहाँ पे दिखाती हूँ जिसको देख के हमें थोड़ा डर लग रहा है। यहाँ पे ना पूरा वहाँ पे गांव बसा हुआ है, पूरा एज पे है, बिल्कुल एज पे, अगर और फोकस करूँ तो सारे के सारे घर एज पे है, और हमें ये चीज़ देख के बहुत डर लगा। लेकिन यहाँ पे लोग सर्वाइव तो करते ही हैं, तो उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि सबके घर एज पे हैं। जिनके भी स्टार्टिंग से देखोगे ना, अगर दूसरी साइड से भी देखते हैं तो वहाँ पे भी एज है, मतलब एक पहाड़ है उसके ऊपर ऊपर सबने घर बनाए हैं। बाकी यही तो हिमाचल की खूबसूरती है। अब चलते आगे। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, हम जितना मैंने इस जगह को ब्यूटीफुल बोला है ना, मैं उतना ही बोलूँगी ये हार्ड वर्किंग, टफ, रफ, डिफ़िकल्ट, चैलेंजिंग यहाँ की लाइफ स्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे आसपास पे एक भी ऐसी दुकान नहीं है, जैसे कि अगर किसी का टायर पंचर भी हो जाए तो यहाँ पे वो दुकान नहीं है। और भी मतलब नहीं, सांगला में है, उस साइड नहीं है, वही जो पिछले चितकुल लक्षम, वहाँ पे मेरे को कोई भी ऐसी जगह नहीं दिखी। और हेल्थ केयर वगैरह दिखे थे, हेल्थ केयर है लेकिन वो टाइम टू टाइम खुलते हैं, वही ना सरकार की थोड़ा ये है, हम दूर से आते हैं, हमें ये जगह ब्यूटीफुल लगती है, हम बोलते हैं यार काश हम भी यहाँ पे होते, लेकिन हम यहाँ पे ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और यहाँ के लोगों की एक स्पेशल बात यह है कि हंस के हर चीज में देखा, वो इंजॉय करते हैं हर कल्चर को, हर टाइम को, तो किसी से हंस के बात करते हैं। हाँ, हम लोग अभी शीतपुल से है ना, तो सांगला से आगे कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है। अगर किसी को लगता है कि गाड़ी में तेल कम है या बाइक में तेल कम है, तो सांगला से ही अपनी गाड़ी की टंकी रिफिल करवा सकते हैं, उससे आगे आपको शीतपुल तक कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। हम लोग चांद नगर में घूमने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत चांदसू आपका हार्दिक स्वागत करती है। देखते ऊपर चल के हमें क्या देखने को मिलता है, और मेरा मन होता है ऐसे गाँव को एक्सप्लोर करने का, तब मैं इस साइड को गाड़ी लेके, मैंने बोला था ना हमारी मंजिल क्या है हमें खुद नहीं बताता। तो अभी यहीं से गाड़ी टर्न कर लेंगे, और यहाँ पे बासपा रिवर के ऊपर ये डैम बना है, और अब यहीं से चलते हैं वापस। और हम उस रोड से हैं, सामने वाले सड़क से, वो सामने आपको दिख भी रहा होगा कुछ ना कुछ थोड़ा सा। चलो, ये जो थोड़ा सा रोड है ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है और डेंजरस भी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े पत्थर वगैरह भी गिरते रहते हैं, और साथ में नीचे खाई बहुत ही ज्यादा गहरी है नीचे। ये पंडित जी कौन सा मंदिर है? ये जी वैष्णो देवी जी का मंदिर है जी। अच्छा अच्छा जी, ठीक, आप यहीं पे रहते हो जी? अच्छा अच्छा, जय माता दी।
लेके आएगा, वापस करके आएगा। ये ना रास्ता बहुत अच्छा है सापनी गांव के लिए। हमारे सब्सक्राइबर है, उनसे अभी हम किन्नौर में मिलेंगे। उनकी मैरिज में भी आया था, उनके मायके किन्नौर में है और उनके ससुराल इधर सापनी में। बिल्कुल लगता है सापनी विलेज ऊपर ही है और रास्ता बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, जिगजैग सा, लेकिन डिफिकल्ट भी होगा क्योंकि सारा पहाड़ के एक एच पे है। चले, ये सारी गाड़ियाँ ना PV32 फिलोर का नंबर है, PV32 की 3-4 गाड़ियाँ गई आगे भी। बोला था ना किन्नौर में हवा ज़्यादा चलती है, इस साइड में सांगला में कम चलती है, रिकोंग में बहुत ज्यादा हवा चलती है। हमको 2 बजे के बाद तो इतनी तेज हवा होती है ना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रिकोंगपियो वाले रोड पे और ये है शोंगटोंग ब्रिज। शोंगटोंग ब्रिज जो है, ये गांव का नाम है शोंगटोंग, इसलिए इसका नाम है शोंगटोंग। और ये नीचे बह रही है सतलुज नदी, दूसरी साइड थी बासपा रिवर और ये है सतलुज। दोनों रिवर जाकर के ना जो करछम में डैम है ना वहाँ पर जाके इकट्ठी होती है, और इस वाली रिवर में पानी ज़्यादा है, उसमें कम था, क्योंकि ये रिवर जो है ये लाहौल स्पीति साइड से आती है और वहाँ भी 2-3 नदियाँ इकट्ठी होकर के सतलुज बनती है। चले आगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं रिकोंगपियो के बाजार में। रिकोंगपियो के बाजार में पहुंच चुके हैं। चार बंदा आ रहा है, उन्हें कितना भीड़ हो। गाइस, हम लोग रिकोंगपियो पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ख्वांगी विलेज में। अगर कोई ख्वांगी या रिकोंगपियो से है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हम कहां जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, आपको बताता हूं। 2 साल पहले मैं यहां पे मैरिज में आया था, हमारे सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मेरे को मैरिज में इन्वाइट किया था। तो अभी उनको मैंने बताया था कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला घर ज़रूर आना। तो मैंने आंचल को बोला कि किन्नौर में सबसे अच्छी दुकान ढूंढो मिठाई की, फेमस हो जाओ। क्या नाम है दुकान का? अन्नपूर्णा बेकरी एंड स्वीट्स। वहाँ से हम लोग मिठाई लेके आए और उनके घर जाएंगे, चाय पानी पियेंगे और फिर अगले डेस्टिनेशन की ओर निकलेंगे। और एक्साइटेड आंचल? हाँ जी। और आंचल को आज अच्छा लग रहा है, 3 दिन के बाद इसने मार्केट देखी और मार्केट में ना हमें एक अंकल जी मिले, वो हमारे उस साइड से थे, उन्होंने मेरी गाड़ी का नंबर देखा, कहते हैं वहाँ से। मैंने कहा हाँ जी, कहने का आप, कहते मैं भी वहाँ से, कहते आ जाओ, उनकी दुकान थी बड़ा अच्छा। ये नीचे है ख्वांगी विलेज और हम उस साइड जा रहे हैं। भैया ये लिंगड़ है ना, लिंगड़? हाँ जी। ये दिखाना है, दिखा दोगे? अच्छा, ये पैक कर रखिए। हाँ। लिंगड़ बोलते हैं इनको, इसकी सब्जी बनती है ना। हाँ जी। ना जो हिमाचल में नदियाँ नाले होते हैं ना, नाले छोटे छोटे, उसके आसपास में। यहाँ पे किन्नौर की नहीं, अंगूर की बेल भी है। और देखो पूरा सेम वही कल्चर है ना, शीतकुल वाला, लकड़े रखी हुई है स्टॉक करके, और वो सामने मोनेस्ट्री है और वहाँ पे मंदिर है। चल, पता कितना नीचे है, जैसे मान लो माता नैन देवी जी के दरबार है ना, वहाँ से नीचे बस स्टैंड तक आना, इतना नीचे। अगर वापस नहीं आएंगे, हम वापस नीचे चले जाएंगे सीधा मेन हाईवे पे नीचे, तो वहाँ से बस लेके ऊपर। बस ये बहुत आती है नीचे से, ठीक है ना। ये ग्राम देवता जी का मंदिर है और हमें इस साइड से जाना है। मैंने 2 साल पहले आया था, रास्ता भूल गया, उस टाइम रात को आया था, लेकिन फिर भी पता है डायरेक्शन की नीचे की तरफ जाना है। मेरे कांचल कितना अच्छा है ना, यहाँ से माथा टेक दो देवता जी को। एक चीज़ का ध्यान दिया तूने, यहाँ पे हर जगह चिड़िया बोल रही है, हर जगह। हमारे वहाँ पे नहीं बोलते इतनी, है ना। हाँ नहीं, हमारे वहाँ पे इतनी चिड़िया नहीं होती ना, खासकर आपके वहाँ पे तो मैंने कभी भी नहीं देखी। चल, जब हम पहले आए थे ना इनके यहाँ पे मैरिज में, तो रात का टाइम था 9 बजे का, हमें इतना वो लगा ना अच्छा कि यार हम कहाँ पहुँच गए। और नीचे वो इनका जो देसी होता है ना, वो यहाँ पे गांव में बजाते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, वाद्य यंत्र, ढोल बाजे वगैरह, उसको सुन के ना रोंगटे खड़े होते हैं। इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा फील होता है उस टाइम पे। आ गया याद मेरे को, पता कौन सा घर है उनका? कुछ ऐसा रास्ता होगा, या तो वो वाला है सामने उस साइड में, हाँ ग्रीन वाला, या फिर नीचे इस साइड को है। हाँ जी, नीचे आधा नीचे है ना, कब से पर उनका भी इतना नहीं है जितना ये है, मतलब ऊपर तो पक्का ही नहीं आया जाएगा जितना हम नीचे, बहुत ऊपर से नीचे आए हैं।
जल्दी आ जाए, इनको पता है नहीं कि कौन सा घर है, मेरे को ऐसे चलाई जा रही। मेरे को ऊपर से डर लगता है जब मैं सीढ़ियाँ उतरती हूँ ना, मेरे ऐसे पैर कांपने लग पड़ते हैं। ऊपर से मैंने शूज बोला मेरे को शूज डालने, तो नहीं डालने दिए। चल ले चलो तुझे किन्नौर के गांव में। अभी का घर मिल गया, काफी नीचे है और अभी इसके बाद नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं आएंगे, नीचे से भी बस करेंगे। देखो हम दूसरी बार आ गए आपके पास। क्या मेरा प्यारा भाई, तीसरी बार पहुंच गए। समझे, अब बहु लाते से मिलेंगे। सही बात है, ये जो है ना पार्टी से जाते हैं रास्ता यहाँ से। अच्छा जी, ऊपर है ना पुल है ना, वहाँ से गाड़ी चली जाती है। गाड़ी भी पैदल ही है या ये सारा रास्ता पैदल ऊपर? ये तो इधर, ये तो इधर, इधर से नहीं है रास्ता ना। हाँ जी, उधर से। अच्छा जी, वो ऊपर चोटी है ना, इधर से डाउन उतरना पड़ा, फिर चढ़ना पड़ता, फिर चढ़ना पड़ता। अच्छा अच्छा, तो काफी दूर है ना। कितना टाइम लग, एक दिन लग जाता है ऊपर? ऊपर दो दिन जाने के लिए, ऊपर रुकने के लिए है कुछ? अच्छा, तो बुकिंग होता है जो टेंट लगाते हैं हमारे पुराने सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर का आप तो फैमिली मेंबर ही बोल सकते हैं। हाँ जी, ड्रेस पहना दो, पहना दो, कोई नहीं अंकल जी। जब मैं पहले आया था ना आपकी मैरिज में ना, उस टाइम ये वाला घर ना, यहाँ पे वो जो सिंगर थे ना, यहाँ पे सिंगर थे, वो गाना गा रहे थे, और इस साइड में आपका टेंट लगा था। अब तो बगीचा बना दिया ना अंचल, यहाँ पे टेंट लगा था और इधर रसोई थी, किचन, खाना बनाने के लिए ना पकवान। वो उसके ना बादाम का पेड़ है ना, वो पीछे वाला अखरोट, अखरोट का ये नाशपाती, ये सेब है ना, ये अंगूर के पेड़ है ना। बड़ा अच्छा लगा इधर आके, हमने सोचा नहीं था कि आपके पास भी आना होगा। इसको क्या बोलते हैं अंकल जी, इसको क्या बोलते हैं? तंदूर। इसमें रोटी भी लगाते हैं? तवा रख के, तवा रख के ना। अंचल कैसा लगा? कुछ तो देखा कश्मीर में या वीडियोस में कहीं देखा होगा ना, मॉडलर किचन भी है साथ में, और ये सर्दियों में, और इसका सारा धुआं बाहर ऊपर छत पे चिमनी बना रखी है छोटी सी। बड़ा मजा आया अंकल जी यहाँ पे। हाँ जी, लकड़ी का नीचे नीचे है ना, जी लकड़ी लगेगी इसमें। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। शादी के चक्कर होंगे ना, उस टाइम पे नहीं मैंने देखी है आपकी किचन, अंदर आया नहीं उस टाइम। नहीं, चम्मच डांडी किन्नौर का जायका। अंकल जी आपकी आदत ना मेरे ससुर जी की जैसी है बिल्कुल। इसके पापा, इसके पापा है ना, वो भी आपकी तरह पूरा खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। उनको जरूर लेके आऊंगा, आज अंचल बनेगी किन्नौरन, फिर हम बोलेंगे इसको डोलमा किन्नौरी। बिल्कुल पता चलेगा, तभी किन्नौर में आए थे ना जी। एक ड्रेस वहां से अगर ले सकते, पर हमारे वहां पे गर्मी बड़ी होती है, वहां नहीं पहनी जाएगी, नहीं पहनी जाएगी। फोटोस फोटोस के लिए, शौक के लिए। आपके तो यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता तब पहनते ना, तब पहनना पड़ता है। अंजल की नोरी लग रही, देखो बारिश भी हो गई। जिस टाइम हमारी एंगेजमेंट हुई थी ना, उस दिन भी मैंने अंजल की टोपी लगाई थी, हिमाचली टोपी। अंजल को ना हमारे अंकल आंटी जी ने बोला कि इसको तैयार करो, कोट पहना हुआ। देखो आंटी जी ने आंचल को किन्नौरी बना दिया, कहती है हमारे जैसी लग रही है। किन्नौर वाली लड़की है आंचल। अंकल जी सच बताना, ऐसे देखने से लगती है ना किन्नौर की, ये है ना? नहीं नहीं, पंजाब की नहीं लगती है। अरे प्यारी आंटी जी ने आंचल को किन्नौरी बना दिया। आंटी, आंटी जी बोल रहे कि इसको, आंटी क्या बोलते इसको, दौड़ू पहनाओ इसको। अंडा चो जो गाना है, दौड़ू दो बोले डूंगे नालू, है ना? वो इसी का गाना है, इसको बोलते दौड़ू ना। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आंटी जी एक बार बता दो ये क्या क्या चीज है, ये सारा चोली है। हाँ जी,
गाची डोडू है, और ये वाले जो गले में डाले हुए ये वाले गाँव टुम्बा ना, और ये वाले ये शांगली है ना, शांगल बोलते हैं, और ये वाले ये बितरी, और ये ऊपर टोपी। ये आंटी जी ये जो फूल होते हैं ये नेचुरल होते हैं, असली होते हैं ना, ये असली होते हैं पेड़ से ना। बहुत अच्छी लग रही है आंचल, थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने हमें की नोरी ड्रेस पहनाई। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये आंटी जी ने दूसरी ड्रेस पहनाई, ये इसको क्या बोलते हैं, ये भूल गया मैं इसको, ये दूसरी पहनाई और टोपी वही है, बाकी सारा सेम है। कहते हैं इसको चेंज कर, ये शॉल भी नहीं है ना दूसरी है। बहुत अच्छा लग रहा है आंचल, आंचल को किन्नौर के लोगों ने बहुत प्यार दिया, हद से ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा। आंचल कहते हैं ना मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, वो ब्याज है ये जो लोगों को प्यारा है। अंकल जी ने मेरे को भी पहनाई और वो पहन रखी थी, कहते आप भी पहनो, दोनों अच्छे लगे, और हमने रील्स भी बनाई, आप इंस्टा पे जाकर के देखना। और स्पेशल थैंक्स अंकल आंटी जी का जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया, और हमारे बेबी दीदी जी का, ये बेबी दीदी है और ये इनका बेबी है। बहुत अच्छा लगा आंटी जी आके, हमें आपको भी हमने कष्ट दिया पर बड़ा प्यार मिला। यहाँ का आंचल एक वो है कि शगुन कह सकते हैं इसको, कि जो यहाँ पे गेस्ट आता है ना उसको टोपी जरूर पहनाते हैं। आप लोग सूट साफ तो आप लोग पहनते नहीं। नहीं आंटी जी ये टोपी हमारे लिए बहुत महत्व रखती है ये। पक्का पक्का आएंगे साथ में, आपको साथ लेके चलेंगे। ठीक है आंटी जी, ठीक है जी, आप आना उधर हमारे ना। हाँ ठीक है, चलेंगे अंकल जी आप हमारे साथ। देखा आंचल अंगूर, अंकल जी अंगूर है ना ये किन्नौर के अंगूर आंचल, देखे हाँ, और वो अखरोट का, अखरोट के पेड़ है ये वाला, अखरोट है ये लगे हुए, ये नाशपति है ना। चले हाँ जी, वो आता ना क्या उधर, पता कैसे किन्नौरी से आगे नाम लगाते हैं, पर वो मैक्सिमम होता नहीं है, वो नाम लगा के भेज देते क्योंकि किन्नौर का से। अंकल जी हम, अंकल जी आपने क्यों कष्ट करना था, हमने चले जाना था नीचे, हमने चले जाना था नीचे तक। बार बार रास्ता दिखा के रखता हूँ ना, हम भूलेंगे नहीं फिर। ठीक है ठीक है जी। ये देखा आंचल सेब, अभी बहुत छोटे हैं किन्नौरी सेब, ये सबसे लास्ट में तैयार होता है इसलिए अभी लेट हो रहा है ना, ये कच्चे बहुत कच्चे अभी तो, अभी तो बहुत कच्चे होंगे, बेड कौड़े होंगे अभी तो। बताना कि आपको मेरी किन्नौरी लुक कैसी लगी, मेरे लिए फर्स्ट टाइम मैंने हिमाचली ड्रेस वगैरह वेयर की है जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन मैंने कभी किन्नौरी नहीं ट्राई की, और दी ने मेरे को ऐसे बोला, मेरे को ऐसा लगा कि पता नहीं कैसा होगा, बट जब मैंने डाला मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और किन्नौर वालों आपकी ड्रेस बेस्ट है, बहुत अच्छी है। डरते लग रहा नहीं, अच्छा लग रहा। पक्का यहाँ पे सीट मिलती, लेकिन आंटी जी खड़े थे तो हमने आंटी को सीट दे दी, कोई अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लॉन्ग रूट की बस है ना इसलिए, तो हमने आंटी को अपनी सीट दे दी। और नीचे ये सतलुज रिवर, और ऊपर हम लोग जा रहे हैं अभी रिकोंगपियो साइड, खवांगी के पास हम उतर जाएंगे, ऊपर अपर खवांगी है ना जो, वहाँ पे उतरेंगे हम लोग।